हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। आज हम आपको झारखंड के वैद्यनाथ धाम मंदिर में चंद्रकांत मणि के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवघर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में झारखंड के देवघर का वैद्यनाथ धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वादशक ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगा जल अर्पण का विशेष महत्व है। धर्मचारियों के मुताबिक शिव पुराण और वैद्यनाथ महात्म्य में वर्णित तथ्यों में कहा गया है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगाजल और बेलपत्र यानी बेल के पत्ते से अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें अवृष्टि की प्राप्ति होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और गंगाजल का अन्य नया श्रेय संबंध है। कांवड़िया सुल्तानगंज की उत्तरा वाहिनी गंगा से जल भरने के बाद करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। धर्म के जानकार जय कुमार पाठक कहते हैं कि प्राचीन धार्मिक किताबों में कहीं भी कांवड़ के संबंध में विशेष उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में कांवड़ की असंख्य चर्चा है। पितु भक्त सरगन कुमार की कथा के कांवड़ का उल्लेख किया गया है। पाठक हालांकि यह भी मानते हैं कि धार्मिक स्थलों में इसकी चर्चा भले ही ना हो, लेकिन ऐतिहासिक पुस्तकों या प्राचीन चित्रों में कांवड़ की चर्चा और उसके चित्र अवश्य मिलते हैं। वैद्यनाथ धाम का मंदिर ठोस पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के मध्य प्रांगण में बना शिव का व्यय और विशाल मंदिर मनमोहक है। यह मंदिर कब बना और किसने बनवाया यह गंभीर शोध का विषय है। मंदिर के मध्य प्रांगण में शिव के 72 फीट ऊंचे मंदिर के अलावा उसी प्रांगण में अन्य 22 मंदिर है। मंदिर प्रांगण में एक घंटा है, एक चंद्रकूप, एक विशाल सिंह दरवाजा बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर लगे चंद्रकांत मणि के बराबर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रकांत मणि रावण ने यहाँ धन देवता कुबेर से हासिल कर लगवाया था। चंद्रकांत मणि अष्ट दल कमल की आकृति के बीच में लगा हुआ है। पुजारियों के मुताबिक इस मंदिर में रात होने वाली श्रृंगार पूजा के शिवलिंग पर जो चंदन का लेप किया जाता है उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदे टपकती रहती है। यही कारण है कि सुबह इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है कि यह धाम चंदन अमृत के समान होता है, इससे सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं।